तो दोस्तों आज का सवाल है, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की तीन चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 125 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। दे रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की तीन गुनी है। तो जिसके पास का या से होता है वो हमेशा नीचे की वैल्यू होती है, तो नीचे एक मान लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या फर्स्ट हो जाए, एक हो जाएगी, और पहली संख्या हमारी तीन हो जाएगी। तो पहली संख्या हमारी तीन हो गई, दूसरी संख्या हमारी एक हो गई। आप तीसरी संख्या निकालनी, तो तीसरी संख्या कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या की तीन चौथाई, तो पहली संख्या हमारी तीन का तीन चौथाई हमारी तीसरी संख्या हो गई। तो इसमें चार का भाग देंगे पर दशमलव में मान आ जाएगा, इसके लिए हम चार का एलसीएम लेके सभी में चार का गुणा करा देंगे ताकि दशमलव में ना आए। तो चार से चार काट देंगे तो हमारी पहली संख्या 12 आ जाएगी, दूसरी 4 आ जाएगी और तीसरी आ जाएगी हमारी 9। ये अनुपात इनका दे रखा है, तो एक्स मान लेंगे इनके साथ में, सभी में ये हमारी संख्याएं आ गई। अब इन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 12x प्लस 4x प्लस 9x बराबर दे रखा है 125। तो इनका औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारी तीन हो गई। तो इनका जोड़ लेंगे 12 4 16 9 25, तो 25x बराबर हो जाएगा 125 के डिवाइडेड बाय 3, तो 25 पंचे 125, 5 15, तो x बराबर आ जाएगा 15। अब हमसे पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 9x। तो इसमें 9x में 15 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 9 135, यही हमारा आंसर हो जाएगा।